देखिए स्लीव मेथड पढ़ेंगे। This is sleeve method. Sleeve method is used to pause a thread for a specific time period. ये हो गया मेरा class x, class x का object बनाया x o is equal to new x. उसके बाद thread t1 equal to new thread. Thread में मैं class का object pass कर दिया o और पहला thread का नाम दे दिया first. फिर class का again और एक object बनाया x p is equal to new x. Thread t2 is equal to new thread. P ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास किया, सेकेंड मैंने यहाँ पर पास किया t1.start, जब t1.start करेंगे रन मेथड कॉल होगा, रन मेथड जब कॉल होगा तो एक से लेकर पांच तक रन करेगा, लूपिंग पांच बार रन करेगा, लेकिन पॉज होकर कितना सेकेंड पॉज होगा, 5000 मतलब 1000 मतलब 1 सेकेंड, 5000 मतलब 5 सेकेंड पॉज होकर। तो अभी इसको रन करते हैं, ब्लिंकिंग होगा पांच पांच बार, वैल्यू वन, देखो ये थ्रेड सब रन हो रहा है, वैल्यू टू, सर मतलब अगर चाहें तो इसमें कितना देर भी पॉज कर सकते हैं हम लोग। हेलो हेलो हाँ बोलो क्या है सर, अगर चाहें तो मतलब जैसे कि 5000 में 5 सेकेंड हुआ, जैसे इसको 50000 करके हम 1 मिनट भी पॉज करवा सकते हैं। हाँ 5 मिनट होगा, क्या सर, 50000 डालोगे तो 50000 मतलब 50 सेकेंड रहेगा 1 मिनट का, ओके ओके सर, 1000 मतलब इज जितना इक्वल देर, टू 1 सेकेंड। मतलब जितना मन उतना देर हम इसको पॉज करके रखवा सकते हैं, है ना सर। भाई आपको अगर पॉज करना है 1000 मतलब 1 सेकेंड, तो इसके हिसाब से आपको जितना समय देना है आप दे सकते मल्टीप्लाई करके 1000। ओके ओके सर। 5000